हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर एक ऐसी न्यूज़ जो आप जानना चाहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था इसके ऊपर बात करने के लिए कि सर, इस पर एक वीडियो बनाइए कि कैसे हम अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे साथ कभी अच्छे मार्क्स हमारे आने के बावजूद भी जो है हमें ट्रेड टेस्ट में बिना कोई मार्क्स दिए हमें फेल कर दे रहे हैं। तो हम सब कुछ आज का डिस्कस करने वाले इस चैनल पर, और आपको जो है जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे चेक कर सकते हैं आप अपने ट्रेड टेस्ट में मिले नंबर को। जी दोस्तों, चाहे आप पास हो चुके हों चाहे फेल हो चुके हैं, लेकिन आपके मार्क्स कितने हैं ये आपको चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, मैं आपको बताने वाला हूँ आज स्पेशल ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है तो उसके हम नोटिफिकेशन से लेके उसके फाइनल रिजल्ट तक, जी हाँ दोस्तों, हम पूरी की पूरी जानकारी आपको अपडेट करते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो ऑलरेडी देख लिया है कि पास हो या फेल सभी चेक कर सकते हैं अपने मार्क्स। तो दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट से लेके चलता हूँ। दोस्तों, आपने नोटिफिकेशन में जब देखा है कि आपको पता है आपका जो 60 मार्क्स का पेपर हुआ था, जी हाँ दोस्तों, 60 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था, और ये 60 मार्क्स के पेपर में आपने जितना भी स्कोरिंग किया हो, चाहे 35 या 40 या 45 या 50, चलिए जिसी किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे तो 50 प्लस में भी आ गया होगा। तो इस प्रकार आपको 60 मार्क्स का आपका जो है टोटल जो है आपका पेपर था CBT। जी हाँ दोस्तों, आपका पहले CBT हुआ था, उसके बाद जो है आपका आपके उस मार्क्स के आधार पे उसके बाद आपको PET के लिए बुलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है PET के लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं अवेलेबल थे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या था, आपको क्वालिफाइंग नेचर था। क्वालिफाइंग नेचर में मैं आपको बता दूँ वहाँ पे आपको क्या था। सबसे पहला चीज़, 800 मीटर आपको जो है रेस था, जी हाँ, जो आपको दौड़ना था 3:40 में, तो आपने ये रनिंग किया होगा। उसके बाद जो सेकेंड था वो था आपको 9 फिट, जी हाँ दोस्तों, 9 फिट के लिए आपको था, और उसके बाद आपके लिए 3 फिट जो था हाई जंप था, और ये 9 फिट जो आपका लॉन्ग जंप था। तो इस प्रकार जो है आपका फिजिकल आपने पास किया होगा। काफ़ी लोगों का जो है फिजिकल अच्छा गया था, काफ़ी लोगों का बुरा गया था, वॉट एवर, पर जो भी गया था काफ़ी लोग जो है उसमें पास हुए थे। और उसके बाद आ जाता है आपका नंबर ट्रेड टेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड में आपको एक चीज़ और है स्पेशल, जो है ये कि आपको ट्रेड में जो है आपका स्पेशल ट्रेड है, यानी कि आपका हर इंसान का जो जो अलग अलग कैटेगरी में आपने ट्रेड चुना होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल में, जैसे पहला था वाटर कैरियर, तो वाटर कैरियर में आपसे जानते हैं रोटी बनवाया जा रहा है। नंबर दो पे बारबर समझ लीजिए, बारबर भी ट्रेड था दोस्तों इसमें, तो यानी नाई का काम करने वालों के लिए। वॉशरमैन का था, सफाई वाला था इसमें, कॉबलर का था, गार्डनर का था। तो ये सारे ट्रेड में आपने फॉर्म भरा था और सभी ट्रेड वाइज जो है आपके ट्रेड का एग्ज़ाम लिया जा रहा था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं आप जिस चीज़ का, वो ये कि आपको जो है ट्रेड मार्क्स कितने मार्क्स के लिए था। ट्रेड का एग्ज़ाम जो था वो था आपका 40 मार्क्स, क्योंकि 40 मार्क्स इसलिए का क्योंकि 60 मार्क्स का ऑलरेडी आपका CBT हो चुका था। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा आपका 100 में से, यानी कि आप सभी को ये सब पता होगा दोस्तों ऑलरेडी। तो 100 मार्क्स में से आपका जो है मेरिट लिस्ट आने वाली है, बट आपने जो एग्ज़ाम दिया था वो 60 मार्क्स का था। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि इसकी जो है लिस्ट जारी कर दी गई थी, आपका स्कोर कार्ड जारी किया गया था और नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जो भी आपके मार्क्स आए थे 60 में से आप सब कुछ वो चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब आपका दोस्तों जब फाइनल लिस्ट जारी होगी, जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि ट्रेड टेस्ट में, यानी कि ट्रेड में जितना भी आपने सभी ने, चाहे वो पास हुए हो चाहे स्टूडेंट फेल हुए हैं, उन सभी को कोई भी मार्क्स नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मार्क्स के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको सिर्फ बता दिया गया कि आप क्वालिफाई नहीं हैं, आप जा सकते हैं, आप फेल हैं बस। लेकिन मार्क्स कितने मिले ये आपको कोई नहीं बता रहा था, जिसका लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स में जो है आक्रोश भी था। काफ़ी लोग जो है गुस्से से मुझे मैसेज भी किया कि सर ऐसा हमारे साथ हो रहा है, RPF ने गलत किया है वगैरह वगैरह। वैसे बात उनकी सही भी थी, क्योंकि आपको मार्क्स बता देना चाहिए कि हाँ आपको 40 में से 10 मिला, 12 मिला, 14 मिला, 20 मिला, आपको जो भी मार्क्स मिले आपको बता देना चाहिए। बट यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं बताया गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पास या फेल बताया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें होने के बाद अब दोस्तों जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली, क्योंकि दोस्तों आप अप्रॉक्सीमेटली सभी का हो चुका है, अभी ग्रुप सी का बाकी है सिर्फ, जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी 100 नंबर में से। अब 100 नंबर में से आप सभी का, ऐसा है नहीं सिर्फ पास हुए वाले स्टूडेंट्स का जो है आपका लिस्ट जारी होगी, जी नहीं, स्कोर कार्ड है दोस्तों, आप सभी को पता है रेलवे जो है पास हुए हो चाहे फेल हुए हैं सभी का जो है लॉगिन आईडी जारी करता है। लॉगिन आईडी में आप पासवर्ड डालेंगे, जैसे आपने ऑलरेडी इसका CBT 1 का चेक किया था, सेम उसी प्रकार से आपको जो है फिर से लॉगिन आईडी मिलेगी। यहाँ पर कोई PDF फाइल नहीं आने वाली, लॉगिन होगा और लॉगिन में आपको क्या करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद आपका पासवर्ड। तो ये पासवर्ड यानी आपका डेट ऑफ बर्थ, ये जानने के बाद दोस्तों आपके पास जो है एक लिस्ट जारी होगी आपका स्कोर कार्ड, और वो स्कोर कार्ड होगा आपका 100 में से। अब 100 में से आपको 60 है, 75 है या
35 है या 40 है या 20 है, वॉट एवर जो भी आपके मार्क्स हो गए आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों रही बात कि ट्रेड का मार्क्स कैसे मिलेगा, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपको पता है कि 40 मार्क्स का ट्रेड था और 60 मार्क्स का आपका CBT था। CBT में जो है ऑलरेडी आपने जो है अपना मार्क्स देख कर रख लिया होगा दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं उन सभी के पास एक PDF फाइल होगी ऑलरेडी जो सेव करके उन्होंने रखा होगा। अब आपको CBT में कितने मार्क्स मिले वो आपको ऑलरेडी पता है, यानी अगर 30 मिले हैं या 35 मिले आपको ये पता है। अब यहाँ पे आपका 100 में से मेरिट लिस्ट में आपका अगर आ गया है 45 तो आपको पता है, अगर आपको CBT में 35 मिला है तो आपको ट्रेड में कितना मार्क्स मिला, 10 मार्क्स मिला। तो यहाँ पे इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको CBT में चलिए आपका 40 मार्क्स था और आपका जो मेरिट लिस्ट में दिखा रहा है वहाँ पे 70 दिखा रहा है, तो यहाँ पे यानी कि आपको 40 में से ट्रेड में से कितने मार्क्स मिले, आपको 30 मार्क्स मिले, तब जाके 40 और ये 30 प्लस हुए तब जाके आपका जो फाइनल लिस्ट बनी वो 70। तो दोस्तों इस प्रकार आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट पास हो चुके हैं, जितने भी कोई भी ग्रुप के हो, चाहे ABCDE जो भी आपका ग्रुप है, आप सभी जो ग्रुप वाले हैं आप सभी लोग अपना जो है इस प्रकार फाइनल लिस्ट आने के बाद जो है अपना स्कोरिंग चेक कर सकते हैं आपको कितने मार्क्स मिले। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी अपडेट पहुंच सके। काफ़ी लोग जो है नर्वस हैं इस चीज़ को लेकर कि मुझे मार्क्स कितने मिले ये मैं जानना चाहता हूं, तो इस प्रकार जो है आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।